हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप कैपकट में कुछ इस तरह के ट्रेंडिंग कलरफुल टेक्स्ट लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, जो देखने में बहुत अच्छा, अट्रैक्टिव और यूनिक लग रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम एडिट करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए, एंड अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। और एक कैपकट को यूज करने के लिए आपको किसी वीपीएन से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे वीपीएन मिल जाते, वहां से आप कोई भी एक इंस्टॉल करके उसे आप ओपन करना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देन कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके आपको जस्ट वीपीएन से कनेक्ट हो जाना है। मैं यहाँ पे सुपर वीपीएन को यूज करूं, आप भी चाहो तो आप इसे यूज कर सकते हो। और कनेक्ट करना काफी आसान रहता है, जस्ट कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, देन आप देख सकते हो कनेक्ट हो चुके। नाउ आप यहां पे बैक कर सकते हो और इसे मिनिमाइज करके उसके बाद अपने कैपकट को आप ओपन कर देना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे लिरिक्स वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे जस्ट एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। देन यहाँ पे फोटोज वाले सेक्शन के ऊपर जाके कोई भी एक रेंडम सा फोटो को आप सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जस्ट एक ये वाला फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एड के ऊपर क्लिक कर देना तो आपका जो इमेज होगा वो यहाँ पे एड हो जाएगा। ओके, एड हो जाने के बाद इमेज के ऊपर आप क्लिक करना और इसे जस्ट आप यहाँ पे इस तरीके से नीचे कर देना। इस तरीके से नीचे करोगे तो आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड आ चुका है। ये एक ट्रिक है जस्ट ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करने का, तो आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ब्लैक बैकग्राउंड हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में आना और ये जो कैपकट का वाटरमार्क है इसके ऊपर क्लिक करके डिलीट कर देना। फिर इसका ड्यूरेशन आप यहाँ से इंक्रीज कर देना, जितना टाइम तक का आप जस्ट लिरिक्स वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हो गए, जैसे कि मैं यहाँ पे 10-12 सेकंड के आसपास इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करना है, देन आपको एक एस्पेक्ट रेशियो का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना और 16:9, 9:16 जिस भी रेशियो में बनाना चाहोगे उसे जस्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर डन करना, ठीक है। तो रेशियो भी आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे म्यूजिक को ऐड कर लेना है, क्योंकि म्यूजिक का ही तो हम यहाँ पे लिरिक्स को लिखेंगे। ओके, सो म्यूजिक ऐड करने के लिए ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। फिर साउंड्स का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करना, देन जस्ट ये फाइल के ऊपर क्लिक करके डिवाइस के ऊपर क्लिक कर दो। डिवाइस के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके डिवाइस में जितना भी म्यूजिक हो वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अब जिस म्यूजिक को आप यूज करना चाहोगे उसे जस्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक अच्छा सा म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला म्यूजिक को यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो म्यूजिक यहाँ पे ऐड हो चुका है, अब इसे आप यहाँ पे एक बार प्ले करके सुन सकते हो कि क्या इसमें लिरिक्स वगैरह है, मतलब कि क्या इसमें बोला जा रहा है। ओके, सुन लेना, उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे बैक करना, एंड बैक करने के बाद आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट एड टेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। ओके, यहाँ पे आने के बाद आपको जस्ट जो भी लिरिक्स होगा वो जस्ट आपको टाइप कर देना है, जैसे कि हमारा लिरिक्स है आप जो इस तरह से तड़ पाएंगे, ठीक है। ये हमारा एक लाइन है तो से हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन पूरा लाइन को एक मतलब कि पूरा जो भी आपको बोला जा रहा है उसे एक लाइन में मत लिख देना, दो लाइन में लिखोगे तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो इसलिए हम जस्ट यहाँ पे सबसे पहले आधा लिखते हैं, उसके बाद आधा दूसरे लाइन में हम लिखेंगे। मैंने यहाँ पे आधा ही लिखा, उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करो तो आपको यहाँ पे काफी सारे फॉन्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से अगर आपको कोई फॉन्ट अच्छा लग जाता, लाइक यहाँ पे काफी सारे हैं, ठीक है, अगर इनमें से आपको कोई अच्छा लग जाता तो आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे एड फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके अपने से भी कोई फॉन्ट को रख सकते हो। लाइक ये वाला फॉन्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ये फॉन्ट को भी ऐड किया है, ठीक है। तो इस टाइप के फॉन्ट को भी आप यहाँ पे ऐड करके यूज कर सकते हो। ऐड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको ऐड फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है आप इसके ऊपर क्लिक करना, फिर प्लस के ऊपर क्लिक करके जस्ट अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा, फिर आप यहाँ पे थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक करना, अपने डिवाइस के ऊपर क्लिक करके उस फोल्डर में चले जाना जहाँ पे आपका फॉन्ट होगा, जैसे कि मेरा इस वाले फोल्डर में फॉन्ट है, ठीक है। और अगर आपके पास फॉन्ट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको काफी सारे फॉन्ट का लिंक मिल जाएगा, फिर वहाँ से आप उन्हें सेव कर लेना। ओके, सेव करने के बाद उस वाले फोल्डर में आप चले जाना, आपने डिस्क्रिप्शन से सेव किया है तो वो डाउनलोड वाले फोल्डर में होगा, तो आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे जाने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे अपना फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप यूज करना चाहोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे रेंडम सा जस्ट इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये फॉन्ट ऐड हो गया। ओके, तो इसी तरीके से मैं इस वाले फॉन्ट का लिंक, ये वाला फॉन्ट का लिंक और भी काफी सारे फॉन्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से सेव कर लेना और जो पसंद है उसे चूज करना, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको जस्ट यहाँ स्टाइल को
ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आके आप इसका कलर को बदल सकते हो। आपको यहाँ पे काफी सारे कलर दिखेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे व्हाइट को यूज करो, व्हाइट काफी अच्छा लगता है देखने में, आप व्हाइट को यूज कर सकते हो या फिर जो भी अच्छा लगे उसे यूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ एक ग्लो का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आना है और यहाँ पे आने के बाद आपको ये जो रे दिख रहा है ना इसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि यही रे के कारण ही आपका जो बैकग्राउंड में कलरफुल बनेगा वो इसी के रे के कारण बनेगा, ठीक है। तो इसे आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जस्ट आपको इसका इंटेंसिटी को मतलब ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है नहीं, रेंज को थोड़ा इंक्रीज कर देना, ठीक है। रेंज को इंक्रीज कर देना, मैं थोड़ा साइज को इसका बड़ा कर लेता हूँ, बिल्कुल सही लग रहा है। इंटेंसिटी को इतना रख लेते हैं, फिर और कुछ करने की जरूरत है नहीं। अगर इसका कलर आप बदलना चाहो तो यहाँ पे काफी सारे आपको कलर से दिखेंगे, इनमें से किसी को आप कुछ सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप जस्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो सारा कलर आ जाएगा, लाइक आप देख पा रहे हो ये सारे कलर्स, तो इनमें से जो भी कलर सही लगेगा उसे आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल ये ब्लू को ही रहने देता हूँ एंड इसका इंटेंसिटी को थोड़ा और इंक्रीज करते हैं, सो डेट कि यहाँ पे कलर और अच्छे से दिखे। रेंज को थोड़ा कम कर लेते हैं, ओके। तो इस तरीके से जस्ट यहाँ एडजस्ट कर देना। उसके बाद आपको यहाँ एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, काफ़ी सारे आपको इसमें एनिमेशन से देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आप किसी को चूज़ कर लेना, जैसे कि और मैं सजेस्ट करता हूँ ना कि कुछ नॉर्मल एनिमेशन चूज़ करना, मतलब बहुत ज़्यादा अगर इस टाइप का स्टाइलिश एनिमेशन यूज़ करोगे तो उतना अच्छा नहीं लगता है देखने में। लाइक ये जो टाइप 2 है ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। मैं टाइप 2 को ही सिलेक्ट किया, फिर आउट में जाके मैं यहाँ पे फेड आउट को रख लेता हूँ और इसका ड्यूरेशन कम करके इसे थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। फिर डन कर देना है। इतना करने के बाद एनिमेशन को और बेटर बनाने के लिए आप सबसे पहले तो क्या करो, इसे प्ले करके देख लो कि कितना दूर तक इसे रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप जो इस तरह से इतना दूर तक है तो इतना ही दूर तक रखेंगे, ठीक है, आगे हटा देंगे। इतना कर लेना। अब इसका एनिमेशन और बेटर बनाने के लिए आपको जस्ट ये की फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, इसकी आप हेल्प ले सकते हो। तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को आप ऐड करो एंड थोड़ा दूर के बाद एक की फ्रेम को आप यहां पे ऐड करो। अभी जो स्टार्टिंग वाला है इसके ऊपर आके इसे जस्ट आप इस तरीके से थोड़ा टिल्ड करना कोई एक एंगल में एंड इसे नीचे कर देना, तो आप देख पाओगे कि यहां पे हो गई है कि नीचे से ये ऊपर आएगा कुछ ऐसा, आप देख पा रहे हो नीचे से ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये आप यहां पे बना सकते हो स्टेप का एनिमेशन। और इसे और स्मूथ बनाने के लिए आप जस्ट यहां पे सेंटर में आ जाओ एंड ये जो आपको ग्राफ मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके यहां पे कोई एक अच्छा सा ग्राफ को सेलेक्ट करना, जैसे कि इसे सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे खुद से भी मतलब डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि इस टाइप का फिर डन कर सकते हो, ठीक है। तो ये और भी स्मूथ आपका एनिमेशन को बना देता है। लाइक मैं इसे प्ले करूं तो आप देख पा रहे हो कुछ ऐसा ये एनिमेशन बन गया, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे एक ही लाइन लिख गया। अब उसके बाद जो इसका नीचे वाला लाइन होगा वो जहां से बोला जा रहा होगा, जैसे कि आप जो इस तरह से मतलब यहां से बोला जा रहा है, तो जस्ट टेक्स्ट के ऊपर हम आएंगे, फिर एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके जो भी चीजें बोला जा रहा होगा वो जस्ट यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगेन यहाँ पे फॉन्ट के ऊपर क्लिक करके जस्ट इस बार मैं इंग्लिश में जाता हूँ एंड यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट हैं, इनमें से किसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि इस बार मैं यहाँ पे बस नॉर्मल सा फॉन्ट यूज़ करने का सोच रहा हूँ, लाइक इस टाइप के जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं इन्हें मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा और पतला फॉन्ट चाहिए मुझे, हाँ ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है। फिर स्टाइल के ऊपर जाके सबसे पहले इसका जो ग्लो है उसे जस्ट हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, ये वाला ग्लो ज़्यादा बेटर रहेगा और कलर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे जस्ट इसे अच्छे से एडजस्ट कर देना नीचे में। उसके बाद अगेन इसमें एनिमेशन वगैरह देने के लिए एनिमेशन के ऊपर आप आ जाना एंड अगेन मैं सजेस्ट करूँ कि नॉर्मल एनिमेशन को ही यूज़ करना, जैसे कि यही वाला आप यूज़ कर सकते हो या फिर अगर यहाँ आपको फेड मिल जाता है तो फेड ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैं फेड को सर्च कर लेता हूँ एंड फेड को ही सेलेक्ट करते या फिर ये फ्लिकर को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी प्रोफेशनल लगता है ये फ्लिकर, तो इसे यूज़ कर लेना। फिर आउट में जाके आउट में तो फेड को यूज़ करना यार, फेड सबसे सही रहेगा, ठीक है। एंड हाँ, डन करने के बाद आप चेक कर लेना कि इसका ड्यूरेशन सही है या नहीं, जैसे कि यहाँ तक कर लेंगे। और इसका जो एनिमेशन होगा ना, जैसे कि फेड आउट वाला वो सेम रहना चाहिए, लाइक ये ऊपर वाला इतना ही दूर तक है और नीचे वाला का एनिमेशन ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर जाओ स्टाइल में एंड इसका एनिमेशन को इस तरीके से यहाँ पर कम कर दो, ठीक है। लाइक इसे कम करेंगे एंड उसको डन करेंगे तो देख सकते हो बिल्कुल सेम तो नहीं हुआ, एक सेकंड और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट। देन डन करेंगे, देन सेम हो गया। तो अब आप यहाँ देख पाओ कुछ इस तरीके का हमारा जस्ट ये एनिमेशन बन गया, ओके। अब देख पा रहे हो कुछ ऐसा, तो ये एक एनिमेशन मैंने आपको बना के दिखाया। अब यही सेम तरीके को यूज़ करके आप पूरा एनिमेशन बना सकते हो। तो आप इसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पे आप जस्ट डुप्लीकेट कर लो। अब और आसान हो गया, आपको सिर्फ चीज़ों को डुप्लीकेट करना है, पकड़ के आपको इसे आगे लेके आ जाना है एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन को सिर्फ लिखना है। इसके ऊपर क्लिक करके स्टाइल के ऊपर जाना और जो भी चीज़ इसमें लिखा हुआ है उसे हटा देना है, फिर जो नेक्स्ट लाइन होगा वो लिख देना है।
फिर यहाँ पे जस्ट डन कर देना है एंड आप देख पाओगे इसमें एनिमेशन वगैरह सेम उसी तरीके का बना हुआ है। बट अगर आप इसमें चेंज करना चाहो, जैसे कि एनिमेशन को ये साइड से ना लाके, मतलब इसके एंगल को अगर आप इधर करना चाहो तो कर लेना, फिर नीचे कर दो, देन आप देख पाओगे कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसा आप बनाना चाहते हो। अब वही सेम काम करना है, इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट आप यहाँ पे इसे डुप्लीकेट करो एंड पकड़ के आगे लेके आ जाना इसे, और उसके बाद इसे अच्छे से जहाँ सही लगेगा वहाँ पे अरेंज कर देना एंड अरेंज करने के बाद इसे चेंज करना होगा। तो स्टाइल के ऊपर जाना, फिर यहाँ पे इसे जस्ट चेंज कर देना, फिर उसके बाद डन कर देना है एंड जहाँ इनका एनिमेशन मतलब कि ड्यूरेशन जितना दूर तक होगा वहाँ वहाँ पे आप इन्हें अच्छे से अरेंज कर लेना। जैसे कि इसका ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा हमने कर दिया, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हमारा एनिमेशन या फिर हमारा जो लिरिक्स वीडियो है वो बन जा रहा है। ओके, तो इसी तरीके से करके आप यहाँ पे पूरा रेडी कर लेना। मैंने आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए दो लाइन लिख के दिखाया है, आप पूरा यहाँ पे लाइन्स को कम्प्लीट कर लेना। ओके, तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा अरेंज किया हमने और ये और भी बेटर बन गया। एंड हाँ, इसका कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट वाले में वो कलर था, अब सेकंड वाले में कलर चेंज करना चाहो तो ये स्टाइल में जब आप जाओगे तो यहाँ स्टाइल के ऊपर जाना एंड स्ट्रोक के ऊपर जाके, या स्ट्रोक नहीं ग्लो के ऊपर जाके जस्ट कलर बदल सकते हो। जैसे कि ये वाला कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फिर डन कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी अगर हम चेंज कर दे तो ये भी काफ़ी सही रहेगा, इसका भी ग्लो को ये रख लेते फिर डन करते तो देख पाओ ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कलर भी आप यहाँ चेंज कर सकते हो। सो कम्प्लीटली हमारे यहाँ पर जो वीडियो बन चुका है, अब इसे आप पूरा इसी तरीके से पूरा लिरिक्स को लिख लेना, वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसे अपने डिवाइस में सेव करने के लिए 1080 के ऊपर क्लिक करो, सभी को बिल्कुल मैक्स से कर लो, उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना, आपको जो वीडियो होगा आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो एंड खुशियाँ बांटते रहो।